आ गई जी मैं फिर से चिप्स लेकर। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे नहीं बने ऐसे, तो अब मेरे नहीं बने, ये फेक वीडियो है बोलकर। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे भी तो डिटेल वीडियो अपलोड है ही, फिर भी नए वालों के लिए नए तरीके से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। देखिए साधना भाभी जो मेरे नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं ना, वो है ना सुबह सुबह मतलब 6:30 बजे मैं यूसुफ का टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो उनके खेती से लौकी लाए हैं बोलते तो मुझे ला कर दिए। यूसुफ को पराठे बना कर देना हाँ, और लगा तो लेना, मैं बहुत सारा लाई हूँ खेती से, इतना बड़ा लाई हूँ बोलकर। देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं है ना, मेरा तो काम होता है ना पहले कोई नया फल देखी कुछ भी देखी, पहले उसके बीज अलग कर लेने का। मैं घर में बेल दिखाई थी, एक ही गोल लौकी हुई थी, पता है आपको, मेरे बकरे ने उसकी बेल खा ली थी। प्रीवियस वीडियोज़ में मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो वाला लौकी है ये गोल वाला, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। लंबे वाले लौकी से भी ज़्यादा बेटर सब्ज़ी बनती है इसकी। तो मैंने इतना सा लेकर यूसुफ़ को चावल के आटे में डोसा बनाने के जैसा, उत्तपम बनाने के जैसा बना रही हूँ। प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली, चिली फ्लेक्स डाली, ओरेगानो डाली, थोड़ा सा नमक डाली, और इसको है ना इस पर बनाऊँगी, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाए उसके ऊपर, उसे खाने में टेस्टी लगे और दिखने में अच्छा लगे। मेरा कैसा रहता है, कुछ दिन कुछ रेसिपीज चलते हैं, फिर कुछ दिन सिर्फ राइस पे आ जाती हूँ। ज़्यादातर हम लोग राइस खाते हैं ना, तो यूसुफ़ को भी राइस बहुत पसंद है। वो मैं अलग अलग टाइप के देती हूँ ना टिफ़िन रेसिपीज़, आपने तो पहले से देखे हैं। फिर वो बनने लगे ना, फिर यूसुफ़ का टिफ़िन मैं उसे मतलब क्या करूँ, बार बार वही रिकॉर्ड क्यों करूँ बोलकर नहीं लेती हूँ। चलिए वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कल वाले वीडियो में शॉर्ट वाला क्लिप जो ऐड करी हूँ ना, उस पर बोल रहे हैं आज मैंने लाइक किया। लाइक कर लो जी, इससे मैं भी ग्रो हो जाऊँगी और आपके लिए और अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी कंटेंट लाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए देखिए इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया, और इसको टमाटो सॉस अलग डिब्बे में दिए ना, खाता ही नहीं जी, सब बचा के ला लेता, तो फिर मैं है ना गुस्से से साइड में ही डाल दे रही, सबको लपेटे जाता, खाया तो खाता नहीं तो छोड़ता। लेकिन उसका कैसा है, दाल में रोटी भी भीग जाए सॉस भी लग जाए, वो मेरे जैसा है खा लेता है, जहीन हाथ ही नहीं लगाएगा, उसे सब सॉस लग गया था मैं नहीं खाता बोलेगा, लेकिन वो अलग टिफ़िन में से सॉस खा लेता था। पर ये क्या करता है, छोटे टिफ़िन में बांधे वाला वैसे ही वापस ला लेता है। चलिए सफाई अभियान चालू है, 2-4 दिन से चालू है, उसके क्लिप्स नहीं ली अभी। तो सब लोग आप बोल रहे हैं ना वीडियोस छोटे बन रहे हैं छोटे बन रहे हैं, एक्चुअली रेगुलर वही काम होता है ना जी। रेसिपीज़ मैं अभी डिटेल से बता रही हूँ। ये देखिए धूल उड़ाने को गई, उधर जाती क्या बोले तो पूरे मेरे आंग पर आई, फिर वापस उसे खींचने वाला लगा कर ये कर रही हूँ। ये हैंडी है पर इसके अंदर कचरा है ना थोड़ा जमा होता है, उस वजह से है ना बार बार ओपन करना पड़ता है। पर ये घर के पूरी खिड़कियाँ होने के बाद ओपन करना पड़ा था, मतलब उतनी देर तक वो हो गया था। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार तो ब्रश से और हाथ से कर कर के थक गई थी, बहुत स्वेलिंग आई थी। ये डस्ट भी आंख पर आती है ना तब भी मुझे स्वेलिंग होती है और स्किन एलर्जी होती है, पर कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज कुछ नहीं है, दुपट्टा बांधो और अपना काम कर लो। और ये देखिए हाथों हाथ एक बार रिदम पकड़ ली, मतलब पूरे घर को क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। अब ये ऊपर का कर ली, उसके बाद झाड़ू मार ली, उसके बाद पोछा मार ली, फिर जाके थोड़ा रिलैक्स बैठी 5 मिनट, उसके बाद वॉकिंग करके आई। अब सिर्फ वॉकिंग ही कर रही हूँ आधा घंटा या 45 मिनट, फिर घर में आकर जुम्बा या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। चलिए मटर का ज़माना आया है तो फिर मटर मटर यूज़ करेंगे हर चीज़ में, और माशाल्लाह अच्छे भी लगते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे मटर हो तो उतना नहीं अच्छे लगते, ज़रा फीके फीके हो तो सब्ज़ियों में अच्छे लगते हैं। तेल गरम किया, राई ज़ीरा डाला, प्याज डाली, हरी मिर्च 4 कट कर ली थी वो डाली, कड़ी पत्ता डाला, एक मुट्ठी मूंगफली डाली, हल्का सॉटे कर लिया। ये मटर को थोड़ा सा दरदरा पीसा है मैंने, क्योंकि जल्दी पक जाते हैं खाने में अच्छे लगते हैं, उसके अंदर तक नमक जाता है ना टेस्टी लगते हैं। आधा चम्मच नमक डाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 2 मिनट तक कम फ्लेम पर आराम से पका लिया। उसके बाद ये 2 प्लेट पोहे हैं, मतलब 2 लोगों के लिए
नाश्ता बन जाएगा। उतने पोहे पहले ही धो के रखे थे वो डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया, हरा धनिया डालकर कंप्लीट कर दिया। चलिए दूसरे दिन की मॉर्निंग है, यूसुफ का टिफ़िन ही बन रहा है। एक प्याज, दो हरी मिर्च या रहमकुल्ला और 7-8 चिकन के पीसेस नमक हल्दी लगाकर उबाल लिए थे और हरा धनिया। चलिए इसको इसमें मिक्स करते हैं। ये एक मंगा के मैं बहुत अच्छा कर ली घर से, मतलब कई सारी रेसिपीज़ है ना, मुझे टेंशन नहीं हो रहा बनाने में, नहीं तो किस में पीसूँ किस में मिलाऊँ ये बहुत टेंशन हो रहा था जी मुझे। चलिए इसको चुया चुया करके उसमें थोड़ा घुमा ली, थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मटन मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था मैंने इसमें। ये देखिए जैसे मेरे मन को चाहिए ना वैसा परफेक्ट हो गया है। गड़बड़ क्या हो गई है मालूम है आज आपके साथ मेरे साथ? सुबह में यूसुफ को उठाने का जो ये टाइम रहता है ना क्लास को जाने का, उसकी अलार्म ही नहीं बजी जी, मैं अल्लाह को याद करते बैठ गई। फिर मुझे फील हुआ ये क्यों बज रहा नहीं, बोल के देखे तो लेट हो गई जी मैं, फिर क्या करूँ, पहले वो मसाला बना ली। एक्चुअली ये जो आटा गूंद रही हूँ ना ये समोसे का आटा नहीं है, ये पूरी का आटा गूंद रही हूँ। 2 रोटियों का आटा मैदा लिया और 2 चुटकी नमक, थोड़ा सा तेल, 1 चुटकी खाने का सोडा डाल के अच्छे से गूंद लिया और इसको ज़ोर लगा के हाई शाह ताकत लगा के कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट जल्दी हो जाए और वक्त पर मेरा टिफ़िन तैयार हो जाए, क्योंकि मैं भीगने छोड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए देखिए मैं कितनी गड़बड़ कर रही हूँ, आटा भी वहीं डाल दी क्योंकि सब कुछ प्लेट में लेते बैठने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 5 से 6 मिनट में उसका टिफ़िन मुझे तैयार करना है। इसके बाद हाँ ये समोसे बनाने के बाद फ्राई करके 5 से 6 मिनट में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए ये समोसे मैं ऐसे बना रही हूँ, ये यूसुफ के लिए बना रही हूँ, उसके लिए सॉफ्ट समोसे बनाती हूँ। अगर जहीन के लिए बनाऊँ तो रोटी को तवे पर सेक कर बनाती हूँ, जो प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसकी रेसिपी। ये देखिए जुगाड़ गड़बड़ में गड़बड़ क्या क्या हो रहा है मेरे हाथ से। ये थोड़ा सा जाड़ा जाड़ा, उसको सॉफ्ट खाना पसंद है ना जी, सॉफ्ट पतला पतला, चिकना चिकना, खट्टा खट्टा, पूरा टेस्टी रहना वैसा खाना पसंद है उसको। देखिए इसलिए इसको मैंने है ना इतना सब परफेक्ट बनाकर ऐसे कर लिया है। अब देखिए जुगाड़ क्या करती हूँ जहाँ से ज़्यादा आटा है कट करके उसको प्रेस कर रही हूँ। ये जुगाड़ू पहले के ज़माने के समोसे बना रही हूँ, फिर इसमें का एक कोना बच गया था, उसमें का एक कोना बच गया था, तो फिर दोनों मिलाकर उसको एक समोसा बना ली। ऐसे करके 5 या 6 समोसे बना ली थी मैं। और गड़बड़ में नहले पे दहला पीतल की कढ़ाई में तेल गरम रखी हूँ, तेल काफ़ी सारा गरम हो गया और ऊपर से कढ़ाई जल गई, मतलब और साफ़ करते बैठो ऐसे गड़बड़ हो ही जाती है जी, कभी कभार हो ही जाती है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, हो ही जाता है। आप देख सकते हैं तेल कितना गर्म हुआ है और समोसों को पुंचियाँ पुंचियाँ आ गए लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हैं, सॉफ्ट हैं समोसे। एक समोसे के ऊपर ऐसा एक बड़ी पुंचियों को बेटिया ये सब पुंचा हुई ना कितने 4 बंदू जितने बंदा के पास तेरी बस है, तेरे दोस्तों उठा ले, तू क्या खाता है? चिकन समोसा है वो। आज कौन क्यों खाने वाले हो, आज थर्सडे है। ठीक है 4 बंद तो 3 घर में रहता हूँ। फिर यूसुफ को अल्लाह हाफिज़ बोल के आई, उसमें से थोड़ा सा आटा बाकी रह गया था, उसके 2 पूरियां बनाई। ये यूसुफ का दोपहर का खाना हो जाएगा अगर उसके दोस्त 2 समोसे भी उठा लेते हैं, क्योंकि 2 ही उठाए थे बोलते, फिर उसको 2 ही खाने को मिला था, तो फिर घर में होने का उसको खाना, अम्मी सब सराय तुम्हें मेरे दोस्तों खाए थे मुझे होने का बोलता है। तो इसको लंच के लिए भी रखी हूँ। फिर रात के चावल और मूँग का सालन है, जवारी की रोटी है, मेरा हो जाएगा और उसके ये समोसे और दोनों वाले चावल खा लेगा उसका हो जाएगा। चलिए आलू चिप्स के बारे में बात करते हैं, मेरे आलू चिप्स जल जा रहे हैं। अरे भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आलू राजा की गलती है। आपने देखे मेरे आलू के चिप्स कितने जल गए, बस 2 मिनट में काले हो गए। इतना तो मतलब नॉर्मल वाले चिप्स जो मैं बनाती हूँ ना उसको तो अच्छा 6-7 मिनट लगते हैं फ्राई करने के लिए, ये दालते के साथ काले हो गए आपने देखे, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और आलू कैसे लेना है मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया है, उसमें हर चीज़ की पहचान दी है मैंने।
और चलिए मैंने गूगल भी किया है, ये देखिए। अब इसमें जो आलू का नाम लिखा हुआ है कहीं कहीं अलग होता है, कहीं कहीं अलग होता है, तो फिर मार्केट में जाएंगे तो वो आलू तो आपको मिलेंगे नहीं। आप एक बात समझ लीजिए, जितना आलू सफ़ेद होगा, मॉइस्चर कम होगा, वो आलू के चिप्स अच्छे बनेंगे। यहाँ देखिए मैं कब से फ्राई कर रही हूँ, और ये वीडियो को मैंने भगाया नहीं है, जस्ट उसको ऐसे ही रखा है आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि वीडियो क्लिप थोड़े से लंबे हो जाएंगे ना, तो डिटेल में बात कर लूँगी, इतना टाइम लगता है। और इसमें के दो क्लिप मैंने काटे हैं, तब जाके ये आलू के चिप्स इतने परफेक्ट फ्राई होते हैं। और वो जो जल जाते हैं ना, वो सब्ज़ी के आलू होते हैं, और मतलब क्या बोलूँ, उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, और वो आप जो भी करें आप नहीं बनेगा उन आलू से। तो आप मार्केट जाएंगे, एक बार आलू की पहचान कर लीजिए, दो चार जगह से आलू ला लीजिए, और जितना आलू सफ़ेद होगा वो आलू की दुकान वाले से ही उसका नाम पूछ लीजिए, ये आलू को क्या बोलते हैं, कौन से सीज़न का आलू है, और ये हम दूसरे पास से लें तो क्या बोल कर लें ये आलू को। और मैं क्या करती हूँ मालूम है आपको, जस्ट आलू को है ना ज़्यादा लेना है तो उस बंदे के पास से कट करके देख कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा लेना है तो मेरा ही जो आलू लेना है उस पर थोड़ा सा नाखून से ये कर देती हूँ, वाइट दिखा तो वो आलू लेकर आती हूँ। ये गरम है, वो उधर के ले। अय्य अल्लाह, बहुत अच्छा बना, फिर से ट्राई करना। बहुत अच्छा बनाया, फिर से ट्राई करना, हमारे घर में लड़ाई चलती है। बहुत परेशान कर रहा जी, बहुत सता रहा पढ़ाई करने के बारे में, बोला आप कुछ तो। देखो मुस्कुरा रहा। कैसे बने? बहुत अच्छे बने। साल्टी बनाई? नहीं बने, वो हल्दी नमक का पानी नहीं डाली, बहुत सारे दीदियों को अंडियों को डर लगता है ना डालने के लिए, तो नहीं डाली। आज सिंपल सा बनाया, नेक्स्ट टाइम बना दी तो घर में तुझे हल्दी नमक का पानी डाल को बना के दे। तो मैं बना के दे तू, मेरे पगले मार कहेंगे। देख घर में हर रोज कौन बनाते हैं वो? तुम्हें और कौन? हाँ भाई, हल्दी नमक का पानी कौन डालता है तेल में? बने साल्टी अच्छे से, कुछ कुछ बने, कुछ कुछ नहीं बने। तू खा तो सही फुर्सत से। खा तो रहा हूँ। ला मैं यहाँ खा को देखती हूँ एक। हैं जी हल्के साल्टे हैं। हल्के साल्टी हैं, और थोड़ा नमक तेल में ज़्यादा डाल देंगे तो साल्टी हो जाएंगे। देखिए जी, मैं नागपुर को आकर है ना मार्केट एक्सप्लोर करना सीख गई। यूसुफ को ये बहुत पसंद है तो ये लेने के लिए गई थी, तो वो दुकान में ढोकला भी मिलता है और सैंडविच भी मिलता है। ये ढोकला 13 रुपये का एक पैकेट, मैं दो लाई हूँ, यूसुफ को एक मुझे एक, और नींबू पुदीना और ये दाल लाई हूँ। आपको अचार की रेसिपी देना है ना आगे। माशाल्लाह से मैं भी ढोकला बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पर बैठे बैठे जो बना बनाया खाने मिले उसकी बात ही अलग होती है ना। चलिए जुमा शुरू हो गया है, खूब सारी इबादत करते हैं। मैं तो जुमेरात शाम से ही लग जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियो को टाइम देना होता है, यूसुफ को टाइम देना होता है, थोड़ा मुझे खुद को टाइम लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं काफ़ी दिनों से जुमेरात शाम से ही जुमा मनाना शुरू कर देती हूँ। और कुछ दिन से एक वीडियो एक्स्ट्रा बन रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्या करती हूँ, जुमा के दिन जो रेसिपी बनाती हूँ उतना ही लेती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं लेती हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।